फोर्थ क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जॉन मिस बोल रही हूँ, ठीक है, आपकी वीएस की मैम। तो काफ़ी दिनों बाद मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ बच्चों। इससे पहले मैंने आपको एक लेसन पढ़ाया था खेत से बाजार तक ना। तो आज हम लोग जो आपकी ईवीएस की बुक है हमारा परिवेश, है ना, इस हमारा परिवेश बुक से हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, यानी पार्ट 7। और पार्ट 7 क्या है बच्चों? जंतुओं में अनुकूलन। क्या टॉपिक है आपका? जंतुओं में अनुकूलन। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करें बच्चों। तो ये है पार्ट 7। आपकी बुक में एक बहुत सुंदर सा पिक्चर दी हुई है ना, तस्वीर, और जिसमें बहुत सारे जीव दिखाए गए हैं। कुछ छोटे जीव हैं, कुछ बहुत बड़े जीव हैं, कुछ पानी में हैं, कुछ ज़मीन पर है, कुछ पेड़ पर हैं, है ना। तो इन्हीं जीवों के बारे में, इन्हीं जंतुओं के बारे में हम लोग आज इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक। ये जीव जंतु अलग अलग जगह पर रहते हैं, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। सब पानी में नहीं है ना, कुछ पानी में हैं, कुछ पेड़ पर हैं, कुछ ज़मीन पर हैं। तो ये जीव जंतु क्या है बच्चों? अलग अलग जगह पर रहते हैं। कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ उसे पर्याप्त सुरक्षा, भोजन तथा अनुकूल दशाएं मिलती हैं, है ना। कोई भी जीव वहीं रहना पसंद करता है जहाँ उसको क्या मिले? भोजन मिले, सुरक्षा। जैसे हम ही लोग हैं बच्चों, आप हैं, हम और आप वहीं रहते हैं जहाँ हमको भोजन भी मिलता है, हम सुरक्षित रहते हैं, है ना। इस तरह जीव भी वहीं रहते हैं जहाँ उनको भोजन मिल जाए, जहाँ वो सुरक्षित हों, ठीक है। तो इन जगहों को जंतुओं का वास स्थान कहते हैं। किन जगहों को? जिन जगहों पर जंतु या जीव क्या कहते हैं? रहते हैं, निवास करते हैं, है ना। उन जगहों को जंतुओं का क्या कहा जाता है? वास स्थान कहते हैं, है ना। अब वास स्थान के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। वास स्थान मतलब वो जगह जहाँ जीव रहते हैं। तो वास स्थान के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला भाग कौन सा आता है बच्चों? पहला भाग है थलचर, ठीक। दूसरा भाग है जलचर। तीसरा भाग है नभचर। चौथा भाग है उभयचर, ठीक। तो कितने भाग हो गए? 4। अब चलते हैं, पहला भाग कौन सा है? थलचर। थलचर में वो जंतु आते हैं जो स्थल पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्थल। स्थल मतलब ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो जो जंतु स्थल पर पाए जाते हैं यानी ज़मीन पर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं थलचर। अब कौन कौन से जंतु हैं? जैसे कुत्ता, बिल्ली, है ना। ये कैसे जंतु हैं? थलचर हैं। क्यों थलचर हैं बच्चों? कि कुत्ता और बिल्ली कहाँ रहते हैं? स्थल पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। इसलिए कुत्ता और बिल्ली को क्या कहा गया है? थलचर। थल मतलब होता है ज़मीन, है ना। अब आता है दूसरा कौन सा भाग है? जलचर, यानी वो जंतु जो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जल में, यानी पानी में रहते हैं। तो जो जंतु जल में पाए जाते हैं या जल में रहते हैं, उन जंतुओं को क्या बोलते हैं? जलचर बोलते हैं। अब कौन से जंतु हैं? जैसे आपकी मछली है, है ना, ये क्या है बच्चों? जलचर है, है ना। क्यों? क्योंकि ये पानी में यानी जल में पाई जाती है, जल में रहती है। इसलिए मछली कैसी जंतु है, जीव है? जलचर है। तीसरा भाग कौन सा है? नभचर। नभ मतलब आकाश, है ना। कुछ जंतु जो हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि आकाश में उड़ते हैं, है ना। अब उड़ते कौन हैं? पक्षी हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? नभचर कहते हैं। तो जो जंतु या जो जीव
आकाश में उड़ते हैं उन्हें नभचर कहते हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से जंतु हैं जो आकाश में उड़ते हैं? तो आपके बहुत सारे नाम आ जाएंगे, जैसे कौवा है, गौरैया है, चील है, तोता है। ये सब क्या हैं बच्चों? नभचर हैं। नभचर क्यों हैं? क्योंकि ये आकाश में उड़ते हैं। अब चलते हैं, उसके बाद आता है चौथा भाग है उभयचर। उभयचर में वो जंतु आते हैं, वो जंतु पाए जाते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, यानी जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, यानी थल पर। तो कुछ जंतु हमारे है ना ऐसे हैं जो कि जल और थल दोनों स्थानों पर क्या करते हैं, वास करते हैं। ऐसे जंतुओं को बोला जाता है उभयचर। अब कौन से जंतु हैं जो जल और थल दोनों स्थानों पर रहते हैं? उनमें है आपका कछुआ और मेंढक। आप इस तस्वीर में देख सकते हो बच्चों, यहाँ देख सकते हो, ये कछुआ है और ये है मेंढक। कछुआ देखो ज़मीन पर भी है, पानी में भी रहता है। मेंढक भी पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है ना। इसलिए ये कैसे जीव हैं बच्चों? उभयचर हैं। समझ में आ गया? तो आवास स्थान के आधार पर जंतुओं को इन चार भागों में बांटा गया, थलचर, जलचर, नभचर, उभयचर। थलचर वो जंतु जो ज़मीन पर रहते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली, जलचर वो जंतु जो पानी में रहते हैं जैसे मछली, नभचर वो जंतु जो आकाश में उड़ते हैं उन्हें हम नभचर बोलते हैं, जैसे कौवा, गौरैया, चील, तोता। उभयचर वो जंतु जो थल और जल दोनों स्थानों पर रहते हैं जैसे कछुआ और मेंढक। ठीक है, आपके बुक में ये ताली एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वास के स्थान के आधार पर है ना जंतुओं के नाम आपको क्या करने हैं, लिखने हैं, और वो जंतु किस में आता है, जलचर में आता है, नभचर में आता है या उभयचर में। जैसे एक उदाहरण दिया है ना, गाय जो है वो कैसी है, थलचर, ज़मीन पर रहती है। इसी तरह आपको जलचर का जंतु का नाम लिखना है और यहाँ जलचर लिखना है। फिर उसके बाद नभचर में जो आता है जैसे गौरैया है, तोता है, कौवा, उनके नाम लिखने हैं और यहाँ लिखना है नभचर। इसी तरह आपको उभयचर में जो आते हैं आपके, उभयचर में कौन है, कछुआ और मेंढक, इनके नाम लिखने और यहाँ उभयचर। ये आप घर पे करोगे, ठीक है, अपनी कॉपी में। अब आता है आवास एवं अनुकूलन। आवास एवं अनुकूलन, बच्चों प्रत्येक जीव में उसके परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, है ना। जीव में निम्नलिखित कारणों से अनुकूलन होता है। ये कारण कौन कौन से हैं? चार कारण हैं। पहला है भोजन की उपलब्धता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है प्रजनन और चौथा है शत्रुओं से रक्षा। तो इन चार कारणों से जीव जो हैं वो अपने परिवेश से क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, यानी तालमेल स्थापित करते हैं। अब जैसे मछली है बच्चों, मछली पानी में ही रहती है ना। पानी में क्यों रहती है? पानी में वह सांस लेती है, आसानी से भोजन मिल जाता है और सुरक्षित रहे। लेकिन अगर मछली पानी से बाहर निकाल दी जाए तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? मर जाएगी, है ना। तो जीव जो होते हैं इन चार कारणों से अपने परिवेश से क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, यानी तालमेल स्थापित करते हैं। ठीक है, कौन से चार कारण हैं? भोजन की उपलब्धता, वातावरण, प्रजनन और शत्रुओं से रक्षा। इन चार कारणों से जीव जो हैं वो क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं, यानी तालमेल स्थापित करते हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे। अनुकूलन के कारण ही कुछ जंतु थल पर और कुछ जल में अपना वास स्थान बनाते हैं। अनुकूलन के कारण ही बच्चों कुछ जंतु थल पर यानी ज़मीन पर और कुछ जल में अपना वास स्थान बनाते हैं। वास स्थान मतलब रहने की जगह बनाते हैं। प्रत्येक जंतु में कुछ विशिष्ट लक्षण या शारीरिक संरचनाएं होती हैं।
यह उन्हें स्थान विशेष में रहने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। आओ जानें कि तरह तरह के जंतु किस प्रकार विभिन्न वातावरण मतलब परिवेश में अपने को क्या करते हैं, अनुकूलित रखते हैं। अब जैसे पहला है आपका जल में रहने वाले जंतु, तो जल में रहने वाले जंतु को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जलीय जंतु, है ना। जल में रहने वाले जंतु को हम क्या बोलते हैं, जलीय जंतु। कौन कौन से जलीय जंतु हैं, जैसे मछली है, ऑक्टोपस है, है ना, तो ये जलीय जंतु हैं, ठीक है। किसी तालाब में कभी आपने तैरती हुई मछली को ध्यान से देखा है बच्चों, ये कैसी दिखाई देती है, बहुत कुछ इस चित्र के समान, जो तस्वीर दी हुई है इसके समान मछली दिखाई देती है ना। मछली को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके शरीर का आकार कैसे है बच्चों, नाव के समान, नाव ऐसे होती ना यूं ऐसे, तो मछली के जो शरीर का आकार है वो कैसा है, नाव के समान। इसका आगे का और पीछे का हिस्सा यानी दोनों जो इसके सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं, और बीच का भाग जो है ये कैसा होता, चौड़ा, ये बीच का भाग चौड़ा और दोनों सिरे इसके कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, है ना। इस तरह की जो आकृति मछली की होती है इसको बोलते हैं धारा रेखित, है ना। इस तरह मछली की आकृति को क्या कहते हैं, धारा रेखित कहते हैं। धारा रेखित जो शरीर तैरने में क्या होता है, सहायक होता है, यानी धारा रेखित जो ये शरीर बीच का चौड़ा दोनों सिरे नुकीले, ये जो धारा रेखित शरीर है मछली का, ये मछली को तैरने में क्या करता है बच्चों, सहायता करता है, सहायक होता है। मछली के शरीर पर क्या होते हैं, पंख हैं, मछली के आप देख सकते हो ना, ये है पंख, है ना, ये है, ये है, तो मछली के शरीर पर क्या है, पंख हैं, है ना। इन पंखों की सहायता से मछली क्या करती, इन पंखों की सहायता से मछली पानी में तैरती है बच्चों। मछली की पूंछ और पंख, पूंछ कहाँ है, ये है, और पंख कहाँ है, ये है, तो मछली की जो पूंछ है और पंख है ये पतवार की तरह काम करती है। नाव को देखा ना, जब नाव चलाई जाती तो एक लकड़ी होता है जिससे नाव को चलाया जाता है ना, पतवार उसको कहते हैं। तो जैसे नाव की पतवार होती है जो नाव को चलाने में मदद करती है, उसी तरह मछली की जो पूंछ है और पंख है ये मछली की पतवार होती है जो मछली को तैरने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। मछली में सांस लेने हेतु, है ना, फेफड़ों के स्थान पर क्या होते हैं, गलफड़े यानी गिल्स होते हैं, है ना, गिल्स की सहायता से। गिल्स आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ लिखा ना गलफड़े, कहाँ है गलफड़ा, ये है गलफड़े को गिल्स बोलते हैं ना। तो गलफड़े और पंख और जो मछली का ये धारा रेखित शरीर है ये मछली को पानी में रहने के अनुकूल बनाते हैं। मछली का ये धारा रेखित शरीर, मछली का ये गलफड़ा और मछली की जो ये पंख है, है ना, ये सब मछली को क्या करते हैं, पानी में रहने यानी जल में रहने के अनुकूल बनाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न है बच्चों, मछली बार बार अपना मुंह खोलती और बंद करती है क्यों, आपने देखा कभी मछली को कि मछली बार बार अपना मुंह खोलती है और बंद करती है, क्यों करती है ऐसा, सांस लेती है ना बच्चों, कैसे लेती है सांस मछली, मछली के मुंह से जल प्रवेश करता है, यानी मछली जब मुंह खोलती है तो पानी जो है उसके मुंह के अंदर प्रवेश करता है और गलफड़ों से क्या हो जाता है, गलफड़ों से बाहर निकल जाता है, है ना, गलफड़े से बाहर निकल जाता है। जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है, यानी पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको गलफड़े क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और इस तरह मछली श्वसन करती मतलब श्वसन का मतलब सांस लेती है। यदि मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो ये जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए कहा जाता है मछली जल की है रानी, है ना, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी।
तो मछली इसीलिए पानी की रानी है, क्यों? क्योंकि पानी में ही वो सांस लेती है, पानी से ही उसको क्या मिलता है बच्चों, ऑक्सीजन मिलता है। तो मछली बार बार अपना मुंह खोलती है, बंद क्यों करती है? क्योंकि मछली जो है वो पानी पीती है और उस पानी में क्या होता, ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन उसके गलफड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है और इस तरह मछली जो है वो सांस लेती रहती है। इसलिए मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो मर जाती, जीवित नहीं रहती ना। इसी तरह बच्चों मेंढक और बत्तख के पैर को देखो, आपके चित्र में या बुक में देखिए चित्र बना है, ये बत्तख है और ये मेंढक है। ये बत्तख का पैर दिखाया गया है, बत्तख का जो पैर है अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो जो बत्तख की जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों के बीच में एक झिल्ली है ना, झिल्ली है जिसको मछली बत्तख का क्या बोलते हैं, पाद जाल है ना। तो इस झिल्ली की सहायता से, जैसे मछली के लिए पंख और गलफड़ और पूंछ ये इसको तैरने में मदद करते हैं, उसी तरह बत्तख का जो ये झिल्ली नुमा जो पैर है वो बत्तख को पानी में तैरने में क्या करता है, सहायता करता है। इसी तरह जो मेंढक है इसका पैर की जो उंगलियां होती हैं उनके बीच में भी ऐसी ही झिल्ली होती है। तो बत्तख और मेंढक के पैरों की उंगलियों के बीच में जो झिल्ली होती है वो बत्तख और मेंढक के लिए पतवार का काम करती है, यानी उसको पानी में तैरने में सहायता करती है, सहायक होती है। ठीक है, अब चलते हैं जल में रहने वाले जंतु के बाद, अब आता है स्थल में रहने वाले जंतु। स्थल पे यानी ज़मीन पर रहने वाले जंतु स्थलीय जंतु कहलाते हैं, है ना। स्थलीय वास स्थान में कई विविधताएं होती हैं बच्चों, है ना। घास के मैदान भी ज़मीन पर पाए जाते हैं, घने जंगल वाले क्षेत्र भी ज़मीन पर पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र यानी रेगिस्तान भी ज़मीन पर पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र भी ज़मीन पर पाए जाते हैं। तो इसलिए विभिन्न स्थलीय क्षेत्रों में जो रहने वाले जंतु हैं वो किस प्रकार से अनुकूलन करते हैं, है ना, अपने परिवेश से किस प्रकार अनुकूलन करते हैं, ये अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैदानी भाग में कैसे अनुकूलन करते हैं, मरुस्थलीय भाग में अपने परिवेश से कैसे जंतु अनुकूलन करते हैं, और पर्वतीय भाग में रहने वाले जंतु कैसे अनुकूलन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घास के मैदान यानी मैदानी भाग में रहने वाले जंतु। आपको दो तस्वीर दिख रही होगी, एक देखिए ये शेर है और ये है हिरन, है ना। ये दोनों मैदान में पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि घास के मैदान समाप्त हो जाएं तो शेर पर इसका क्या असर पड़ेगा? आपने सोचा है बच्चों कि अगर घास ख़त्म हो जाए ज़मीन से तो शेर क्या होगा? घास समाप्त होगा तो शेर भी समाप्त हो जाएंगे, शेर भी मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे ये हम लोग देखेंगे। शेर वन में अथवा घास के स्थल में रहता है, है ना, जहाँ घास पाई जाए, घास के मैदान होते वहाँ रहता है या वन यानी जंगल में रहता है। ये एक शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जानवरों का क्या करता है, शिकार करता है, है ना। शेर का मटमैला रंग उसे घास में या घास के मैदान में छिपने में क्या करता है, मदद करता है। चेहरे पर जो सामने उसकी आंखें होती हैं वो आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। शेर के जो अगले पैर के नख यानी नाखून लंबे और नुकीले होते हैं, इससे उसे अपना शिकार पकड़ने में क्या मिलती है बच्चों, मदद मिलती है। तो आपको आंसर मिल गया कि अगर घास के मैदान समाप्त हो जाए तो शेर पर क्या प्रभाव होगा, क्या असर हो। तो अगर घास के मैदान समाप्त हो जाएंगे कि शेर ही नहीं रहेंगे, क्योंकि घास के मैदान पर हिरण पाए जाते हैं ना, और हिरण जो है वो
शेर का शिकार है, शेर इससे भोजन प्राप्त करता है ना, इसको मार कर खाता है। तो जब घास के मैदान नहीं रहेंगे तो हिरन भी नहीं रहेंगे, और हिरन नहीं रहेगा तो शेर भी नहीं रहेगा, है ना। तो ये है आपके इस प्रश्न का जवाब। हिरन भी मैदानी क्षेत्र में रहने वाला जंतु है। पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं, यानी इसके दांत बड़े मजबूत होते हैं जो पौधों के कठोर तनों को भी आसानी से क्या कर लेता है, चबा लेता है। इसके लंबे कान तथा सिर के बगल में स्थित आँखें उसे खतरों की क्या कर देती, जानकर। जैसे इसको खतरे का एहसास हुआ, इसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो इसके खतरे की जानकारी किससे होती, इसके कानों से और इसकी आँखों से। दूर से खतरा देख लेता है और अलर्ट हो जाता है, और जहाँ उसको पता चलता था शेर आसपास है, वो तुरंत तेज गति से भाग, उसके दौड़ने की गति बहुत क्या होती, तेज होती है। आपने कभी टीवी में देखा है कि जब शेर हिरन को दौड़ाता है कितनी तेज़ी से भागता है ना, तो बहुत तेज़ गति से वो भागता है, और तेज़ गति जो है उससे शिकारी से दूर भागने, शिकारी मतलब शेर से दूर भागने में क्या करती है, मदद करती है। तो ये दो जंतु जो हैं बच्चों, ये कहाँ रहते हैं, मैदानी भाग में रहने वाले जंतु। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मरुस्थल में रहने वाले जंतु और पर्वतीय भाग में पाए जाने वाले जंतु। ठीक है, तो ये काम मैं आपको दे रही हूँ, ये काम आज आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा होमवर्क में। ठीक है, इसमें आपको इस तस्वीर से भी आप आंसर लिख रहे हैं। इसमें एक उदाहरण दे दिया, गाय थलचर है क्योंकि ज़मीन पे रहती। अब जलचर वाला कौन सा जंतु है उसका नाम लिखिए, यहाँ जलचर लिखिए। नभचर में कौन सा है वो उसका नाम लिखिए, ठीक है। और इसी तरह उभयचर में जो जंतु है उसको यहाँ लिखिए, ठीक। इसको करके आप अपनी कॉपी में रखिएगा और मुझे दिखा भी सकते हैं। थैंक यू बच्चों।